बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्मान डॉक्टर मदन मोहन झा जी, बाएं साइड में उनके बगल में जया मिश्रा जी हैं जो पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनके ठीक बगल में आसिफ नाथ तिवारी जी हैं जो हमारे मित्र हैं, पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे ठीक दाहिने साइड में गुंजन पटेल जी हैं जो यूथ कांग्रेस अध्यक्ष हैं और पार्टी के प्राइम मिनिस्टर हैं। नीचे हमारे दो साथी हैं, ज्ञान रंजन जी हैं जो हमारे पार्टी के पैनलिस्ट हैं, उसका स्नेहाशीष बर्धन जी हैं जो पिछले बार प्रदेश कांग्रेस कमेटी में प्रवक्ता की भूमिका निभा रहे थे। बगल में हमारे सौरभ जी हैं जो आईटी सेल के यानी सोशल मीडिया डिपार्टमेंट के वो अध्यक्ष हैं। जहाँ देश पिछले कई सालों से कई संक्रमण काल से गुजर रहा है, चाहे वो कोरोना का काल हो या आर्थिक मंदी हो, कई ऐसे परिस्थिति में जहाँ महंगाई की मार झेल रहे हैं, विपक्ष के तमाम नेता कोरोना की लड़ाई लड़ने में व्यस्त हैं, महंगाई की मार से निकलने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वहीं भारत की सरकार नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो मंत्रिमंडल गठित है उनके कई मंत्रियों के इशारे पे आज एक दुर्भाग्यपूर्ण प्रक्रिया से भारत गुजर रहा है, वो है कि विपक्ष के प्रमुख नेताओं का फोन टेप करना, माननीय न्यायाधीशों का, ऐसे तमाम सेक्टर जो सभी सेक्टरों के लोगों को किस परिस्थितियों से गुजरना पड़ रहा है, इसी विषय पे हमारे नेता आदरणीय डॉक्टर मदन मोहन झा जी आप सबों से बात करेंगे। तो आपका समय न लेते हुए हम आग्रह करते हैं अपने नेता से जो आपसे इन बिंदुओं पर बात करेंगे। और हमारे सिन्हासी जी का सबसे पहले तो हम आप लोग का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत करते हैं कि इतने कम समय में और आज इतना महत्वपूर्ण पर्व रहने के बावजूद आप लोग सभी यहाँ उपस्थित हुए। तो आप सभी जानते हैं अभी देश में जो ज्वलन समस्या उत्पन्न हुआ उसके बारे में आप सभी अवगत हैं। AICC के निर्देश से आज हम लोग को यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करना पड़ा। इससे पहले भी हम लोगों ने कई कार्यक्रम किया, प्रखंड स्तर पर भी, जिला स्तर पर भी, और 17 तारीख को यहाँ राजधानी में आप लोग का पूर्ण सहयोग उसमें मिला, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सभी जानते हैं जो हमारे प्रधानमंत्री जी 2017 में गए थे किस राय, वहीं से अंदाजा किया जा रहा है जो उसी समय से यह जो घटनाक्रम है उसका उदय हुआ था। आप इजरायली सॉफ्टवेयर जो है पेगासस, इसके जरिए से देश में अनेक लोग, चाहे वो हमारे नेता हों चाहे पत्रकार बंधु हैं, आप वो सभी जानते हैं कि आप लोग जो सूची है उसमें 40 नाम आप लोगों के भी शामिल हैं और एक एक करके मैं समझता हूँ कि देश जो लोकतंत्र है उस पर कब्जा करने के लिए या उसको ख़त्म करने के लिए ये सॉफ्टवेयर जो है बहुत ही कारगर हथियार है। इसमें ऐसा यंत्र लगा सकते हैं आप कि आप अपने घर में क्या कर रहे हैं, अपने बाथरूम में क्या कर रहे हैं, इतना ही नहीं है, इसमें ऐसा भी व्यवस्था है कि आपको अगर कोई मर्डर केस में भी फंसाना चाहेगा उस सॉफ्टवेयर के चलते आप ही की आवाज़ में आपको कहेगा कि फलना आदमी का मर्डर कर हो गया कहेगा हाँ करवा, जो नहीं भी करेगा वो भी उसमें से टिकट दे करके आपको बताया सकता है। ये बात धीरे धीरे आप लोग के पास भी खुलासा होगा। अभी तो सामने आया है वहाँ अधिकारियों ने 10 से 15 करोड़ रुपए की चपत लगाई है मणिपुरा में,
आपको यहाँ अफसरशाही का मामला तो चल ही रहा है, कई जगह हुआ उसके बारे में बहुत डिटेल जानकारी नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार के मामला को बिहार में तो चर्चा करना ही बेकार है। कहीं अगर ईमानदारी से काम हो, आपके पास कोई न्यूज हो तो बता दीजिए। धन्यवाद।